से भी बिस्किट ले लें। इसी में आप मक्खन शामिल कर दीजिए। बिस्किट्स और मक्खन, स्पैचुला से अच्छी तरह अंदर से निकालिए और फिर इसको आप इवन करके फ्लैट करके रख दीजिए। किसी चम्मच से कर दीजिए, किसी भी फ्लैट ऑब्जेक्ट से कर दीजिए, छोटी कटोरी हो या कुछ हो। ठीक है, इस तरह करते जाइए। अब इसको आप ठंडा कर दीजिए ताकि मक्खन जम सा जाए। ओके, रेडी। टब का जो क्रीम चीज़ होता है वो क्रीम विप करके, विपी विप की क्रीम हमने यहाँ रख दी थी। ये इसका बेस है जिसमें मैंने बिस्किट्स और मेल्टेड बटर, देखें सेट हो गया। ओके, सबसे पहले आप लेंगे ये क्रीम चीज़। टब का यूज़ करिए, क्रीम चीज़ स्प्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। कुछ चीज़ों में आप स्प्रेड यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर आप उसमें चीनी डालिए, आइसिंग शुगर डालिए, चीनी डालिए पिसी हुई जो भी। फिर आप उसमें क्रीम शामिल करिए, इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह व्हिप कर दीजिए। बेहतरीन क्रीम है ये, विपी विप है। आप लोग हमें पूछते रहते हैं कि कौन सी क्रीम हम यूज़ करें, कौन सी क्रीम यूज़ करें केक्स में, डेकोरेशंस में, गार्निश में, इस तरह डिज़र्ट्स में। तो मैं आपको पता है ये मैंने यूज़ की है विपी विप की विपिंग क्रीम। ठीक है, तो यक ठंडा करिएगा और फिर इसको आप विप करिएगा। क्रीम चीज़ और चीनी, थोड़ी सी और क्रीम डालेंगे, वेनिला एसेंस जाएगा, बीट करिएगा दोबारा। अच्छा जी, बनानास स्लाइस करके
एक पूरा लेयर बनाना इसका जाएगा पहले। अब आप एक नाइफ ले लीजिए और आप काट के इसको उसी वक्त ऊपर डाल दीजिए बेस पे, ठीक है। पतले पतले स्लाइसेस कर दीजिए। बनाना स्प्लिट आइसक्रीम के साथ होता है, ये है बनाना स्प्लिट डिज़र्ट क्रीम चीज़ और विपी विप की क्रीम के साथ। इनकी चॉकलेट भी अभी हम इस्तेमाल करेंगे, आप देखिएगा। पूरे बेस पे फैला दीजिए, ठीक है। ये हो गया। अब आप इसको, इसका चूल्हा मैं कम कर दूं, ये पूरा क्रीम इसके ऊपर जाएगा। अखरोट हैं, चेरीज हैं, इसके साथ हम डेकोरेट करेंगे। क्रीम, क्रीम चीज, आइसिंग शुगर या कैस्टर शुगर, वेनिला एसेंस और क्रीम हमने यूज़ की है विपी विप की। पूरा फैला दीजिए, केले बाहर ना रहें और डिसकलर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, इस पे अखरोट, चेरीज और चॉकलेट के साथ डेकोरेट करेंगे। चॉकलेट को मुझे करना है थोड़ा सा माइक्रो। चॉकलेट को या तो आप बैग में डाल के ड्रिजल कर दीजिए, कुछ भी, डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट, कुछ भी यूज़ करना है। नहीं यूज़ करना है सिर्फ चॉकलेट ड्रॉप्स डाल दीजिए। मिल्कीज़ ने इतनी सारी चीज़ें आपके लिए लेके आए हैं ये लोग, सो मेक द मोस्ट ऑफ इट। किसी भी तरीके से कर दीजिए, ये सेट हो जाएगा फौरन, बिकॉज क्रीम ठंडा है, चॉकलेट गर्म है। चलिए ये हो गया। फिर इसके ऊपर आप अखरोट डाल दीजिए। सो योर डिज़र्ट इज़ रेडी। अब देखिए इस तरह का होगा तो आप लेयर्स देख सकेंगे कि बिस्किट्स हैं, बनानाज हैं, क्रीम चीज़ वाला लेयर है, क्रीम है। पूरा चॉकलेट से मैं भर देती तो वो नज़र नहीं आता, इसलिए मैंने इस तरह चॉकलेट को ड्रिजल कर दिया। आप एनी वे यू हैव टू डेकोरेट योर डिज़र्ट्स, ठीक है, कुछ भी, कुछ भी, वॉट एवर। मगर हर चीज़ में पाइप करके बस क्रीम नहीं रखते हैं, बिकॉज वो फिर एक ही अच्छा नहीं लगता है। वो सब यही कर रहे हैं कि सब पाइप कर रहे हैं क्रीम, तो कुछ डिफरेंट बनाया करें। और रेसिपीज बना के ये वाली जो है बनानाज उसके अंदर हैं उसी दिन सर्व कर दीजिएगा। मैं केले के कोई भी डिज़र्ट्स दूसरे दिन सर्व नहीं करती, मुझे अजीब सा लगता है कि वो नरम से हो जाते हैं, अजीब से हो जाते हैं। ट्राइफल भी हो तो अगर एक दो दिन रखना है ट्राइफल, तो उसमें केले नहीं डालिएगा। फिर उसमें फ्रूट कॉकटेल का टिन, कोई भी दूसरी हार्ड फ्रूट, स्ट्रॉबेरीज हो, मैंगो सीजन में हो, तब वो डालिएगा।